नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ फॉक्सवैगन की वर्टुस गाड़ी। ये गाड़ी है आपकी वर्टुस GT लाइन वेरिएंट, जो कि न्यू लॉन्च हुआ है अभी अभी। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये डोर पे इसका पियानो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है, ब्लैक इंटीरियर पूरा का पूरा कर दिया है यहाँ पर। यहाँ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है जो कि मैनुअल है। ये रिक्लाइनर है सीट रिक्लाइन करने के लिए। और मैं अंदर से अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर एल्युमिनियम पैडल दिए हुए हैं इसके, अल्लू पैडल जिसको बोलते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर भी दे दिया गया है इसमें। और अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर देखें तो रेड कलर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। और डैशबोर्ड पर देखेंगे तो एम्बिएंट लाइट भी इसकी रेड कलर की दी हुई है। ये देखिए सामने से रेड कलर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्योंकि अभी मैंने चाबी इसमें नहीं लगाई है इसलिए वो ऑन नहीं है, लेकिन रेड कलर की दिख रहा है। यहाँ पर एम्बिएंट लाइट रेड कलर की। और डैशबोर्ड देखिए पूरा का पूरा ये पैनो ब्लैक फिनिश में है, सिल्वर टच के साथ में। और यहाँ पर ये पैनो ब्लैक फिनिश की फिनिशिंग दी हुई है गेयर बॉक्स पे, हल्की सी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गेयर बॉक्स है ये। एडिशनल फीचर्स में इसमें आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो है इसका ऑटो डिमिंग IR भी हम बोलते हैं। ये देखिए ये ब्लैक इसकी फैब्रिक सीटिंग, लेदर इट इंसर्टेड है साइड्स में इसके। और ऊपर देखिए इसमें सनरूफ भी दिया हुआ है, चूंकि ये GT लाइन है इसलिए इसका रूफ लाइनिंग देखिए प्रॉपरली ब्लैक कलर का दिया हुआ है। सनरूफ आप ऑपरेट कर सकते हैं मैनुअली भी और बटन के थ्रू भी, इलेक्ट्रिक बटन के थ्रू ये एडजस्ट होता है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये इस जगह से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें चाबी मैंने नहीं लगाई है गाड़ी में। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो प्ले कारप्ले दिया हुआ है इसमें। और रियर की बात करें तो रियर में भी देखिए लाइट वगैरह दी हुई है, ऊपर रूफ लाइट LED दी हुई है। रियर में 3 हेडरेस्ट, ऑल 3 सीट बेल्ट्स, ब्लैक कलर का पूरा इंटीरियर दिया हुआ है इसमें वर्टुस GT लाइन में, क्योंकि ये 1.0 लीटर इंजन में आती है। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस के लिए आर्मरेस्ट, रियर डोर पर भी ये भी देखिए पूरा ब्लैक दिया हुआ है, इंटीरियर इसका पूरा ब्लैक कलर में। अभी मैं आपको पीछे बैठ के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए डोर हैंडल वगैरह प्रॉपर ब्लैक कलर दिया हुआ है। ये फ्रंट से डैशबोर्ड का लुक। और यहाँ पर देखिएगा आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कंपटीशन की गाड़ी से काफ़ी अच्छा व्हील बेस है इसका, इस वजह से आपको लेग रूम अच्छा मिल जाता है। हाई सपोर्ट भी ठीक है, कंफर्टेबली आप लॉन्ग ड्राइव पे इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। ये रियर AC वेंट दिया हुआ है पीछे की तरफ, सी टाइप चार्जिंग के साथ में। और ये पीछे से डैशबोर्ड का प्रॉपर लुक, आगे की तरफ ऊपर सनरूफ दिख रहा है। रियर की बूट की बात करूँ तो ये 521 लीटर का बूट स्पेस है इसका। 60-40 स्प्लिट रियर सीट भी इसकी फोल्ड हो जाती है, जिससे कि आप 1050 लीटर बूट स्पेस बना पाते हैं इसका। यहाँ पे ये ट्रंक रूप लाइट दी हुई है इसकी। और इसी में अंदर यहाँ पर ये देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर इसमें स्पेयर टायर्स भी दिया हुआ है। ये रहा स्पेयर टायर इसका, जो कि 1 इंच छोटा होगा। जैक रॉड पाना वगैरह भी इसमें रखा हुआ है। GT लाइन में रियर में स्पॉइलर भी आता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बोर्ड बंद करके, बोर्ड के ऊपर ही लगा हुआ है वो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये है इसका रियर स्पॉइलर।